मैथ दी 10th प्रैक्टिस शीट नंबर, मतलब कि प्रैक्टिस शीट नंबर 10 करन लगे हैं। उन्दे पहले 8 क्वेश्चन आपा पहला कर ले सी, आज 9वे क्वेश्चन तो कर ले। एक बारंबार का वर्ण सारणी विच किसे वर्ग अंतराल दा वर्ग चिन्ह दस है, वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह दस, ये दो टर्म्स है जेडी आपा समझा। अगर वर्ग अंतराल दा वर्ग आकार 6 है, इस वर्ग अंतराल की हेठली सीमा की होगी। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एकदा नहीं शब्द आपके सामने एक कोई एग्जांपल दी है किसी होर क्वेश्चन में। देखो वर्ग अंतराल मतलब आप इतने देखे हैं ना 5 to 10, जो आप ग्राफ पढ़ते सी एवें ग्राफ बनाए सी ना 5 to 10, 10 to 5, इन्हें जो इंटर वाला नंबर होंगे इन्हू लोअर लिमिट कहते हैं, हेठली सीमा। आप इस क्वेश्चन आ नंबर पता कर की कहते लोअर लिमिट या हेठली सीमा, तो जे हेठली होगी फिर इधर भी कड़ी होगी उपरली, इंग्लिश आ लोअर है तो इधर भी की होगी अपर, ठीक है। आप बारंबार का मिड वैल्यू पता करनी, आपने क्या मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 10, क्लास इंटरवल मतलब मिड वैल्यू 10 है, विड्थ ऑफ क्लास इज 6, लोअर लिमिट पता करो। आप दो शब्द समझने हैं मिड वैल्यू ते विड्थ। मिड वैल्यू का मतलब है 5 to 10 है ना, ते विचालड़ा किने लंबी रहा, कभी भी किसी भी चीज की विचालड़ा मैथ विच लभना हो किवें लभी रहा। जे मान लो 3 बच्चे बैठे होंगे विचालड़ा तो आप मिनटा च दस देंगे कि पिछे वाले, पर जो मैथ के नंबर विचालड़ा किवें दसी रहा है नहीं सुनो। जे मान लो इनका विचालड़ा लभना है तो दोनों को जोड़ के अद करी, अद का मतलब केड़े नंबर नाल डिवाइड करी रहा है, दो नाल, अद का मतलब होंगे 2 दे टेबल दे डिवाइड। हुन उन्होंने एक नंबर उन्होंने के इथे एदा नहीं रकम नहीं दी ना, मतलब मिड वैल्यू का मतलब है कि कोई दो नंबर है उन्हां दा जोड़ किया उन्हां की किया अद वो दिता है किन्ने बराबर है 6। हुन इथे जिवें 10 + 5 = 15, 15 का अद करांगे किन्ना होगा 7, तो इनका की हो जाएगा मिड वैल्यू। पंजाबी जन की कहने हैं वर्ग चिन्ह, हूं 6 ही दिता है, वर्ग अंतराल का वर्ग आकार 6 है, मतलब विड्थ, विड्थ का मतलब होंगे फर्क, 10 to 5 घटाए किन्ना हो गया, यानी कि सारे विच फर्क किन्ना किन्ना दिता है 5, 5 दा है ना, तो इसका मतलब इनू वर्ग आकार पंजाबी च वर्ग आकार इंग्लिश च विड्थ। इस क्वेश्चन का फर्क किन्ना दिता है 6, यही दो नंबरां दे विचो मतलब पिछले जो अगला घटावांगे, या मान लो कोई भी एक्स प्लस वाई है तो वाई चो जो एक्स घटावांगे वह किन्ना दिता उन्होंने 6, आ किन्ना दिता सी गलती होगी आ नहीं। हुण कहिंदा आपां आ पहला नंबर आ एक्स है, मान लो मैं आ वाई मन्ने तो आपां एक्स लभना है, एक्स का जवाब किन्ना होगा, देखो आ 2 थले है दूजे पासे किधर जाऊगा की हो जूगा, 10 नु 2 नाल गुणा नहीं करांगे, थले है तो दूजे पासे ऊपर 20 हो गया। हुन x + y 20 है ते इत्थे y - x किन्ना है 6, तो इत्थों y दा मुल दूजे पासे कढ लिया, x नु जदों मैं दूजे पासे लेके गई तो की बदल गया, हुन y दा मुल मैं इत्थे भरां, ठीक है, एक्स प्लस एक्स प्लस 6 बराबर किन्ने एक्स हो गए 2, एक्स 6 दूजे पास गया तो की बदलांगे 14, 6 14, आ हम 2 कितने जाऊंगा 14 नु 2 दे टेबल दे 7, यानी कि ये सीमा इनका जो कही आ गई 7, समझ आ गई। बहुत ही सौखा, एक कंपनी दे 7 मुलाजमान की तनखा 1000 विच हेठ लिखे अनुसार है, कंपनी तनखा के अंकड़िया की मद्दिका पता करना चाहती है, मद्दिका हो गई
ਜੀਰੋ ਦੇ ਜੀਰੋ ਘੰਟੇ ਦੋ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਟੂ
5 का 10, 2, 3 का 5 देते पते 45 कटिया, 9, 9 3 का 7। हूं 7 बची है 450 तो जेडी गेम्स किन्ना टाइम खेलते 1 घंटे तो घट। जे आप 450 चो 7 घटा दिए कि बने 18 बन जाता है। बाहर कटी गई संख्या मीन ऑफ 5 नंबर्स भी है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 18 एक्सक्लूडेड नंबर्स। हुन आपा 7th विच मीन मीडियन मोड तीनों पढ़े मध्यमान मध्यिका बहुलक। बहुलक आपा हुने देख लिया सब तो वधवा जेड़ी रकम आंदी है उस तो पहले आपा मध्यिका देखिया अब चल रही है। हुन मीन की से याद है रकम छी जा जवाब आ जूगा भी गुना पांच कि चार इधर जाऊगा ए चार रकम 18 × 4 कि रकम छी है वो केड़ी रकम है यानी की जेडी रकम छी है वो केड़ी सी अंकड़िया का मतमा 9 है तो खीले 3 अंकड़िया का मतमा दो नाम है
औसत या मध्यमा, इंग्लिश कहते मीन या एवरेज, सेम ही गल कहते सौ अंकियां औसत एवरेज है, यानी कि सौ रकम है बटे सौ है लेकिन किन्ना बदलता डेढ़ सौ बदलना, यानी कि फिर रकम सौ ही है पर एक रकम पंजा की बजाय की है औसत नतीजा की होगा। हम इनका नतीजा करो, आ रकम का नतीजा सारिया सौ रकम का जोड़ किन्ना होगा, सौ पंजा उधर की करेंगे गुना तो किन्ना आ जाएगा पंजा गुना सौ किन्ना आ गया पांच हजार आ गया ना। हम किन्ने का फर्क है पंजा तो डेढ़ सौ बीच सौ का फर्क है ना, रकम मतमान पांच हजार रुपया बिच सौ का फर्क पै रहा है, पंजा वाली रकम डेढ़ सौ ना बदले तो सौ ना फर्क पै रहा है, यानी कि इस पांच हजार रुपए च सौ जोड़ता वा कि हो गया हूं आप मतमान कड़ने की जो पंजा नु डेढ़ सौ ना बदलिया तो हूं मतमान कि होगा अपने को जोड़ सारिया रकम का पंजा सौ आ गया जोड़ के पंजा सौ आया, देखो सारा वो कितना है सारिया रकम को आप सिर्फ सौ रुपया ही फर्क पाया सी, तो पंजा सौ मतमान कटने कि रकम की गिनती है सौ तीन बहत्तर रुपए हाँ जीरो जीरो कटी गई ऑप्शन समझ आ गई।